तो देखिए मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया, ओके। यहाँ पे आपको सबसे पहला जो साइट दिख रहा है ये सीपीडब्ल्यूडी का साइट है, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, सीपीडब्ल्यूडी का हम इसको साइट बोलते हैं। सबसे पहला हम चालू करते हैं जो आज के आपके ट्रेनिंग्स में, यदि आप आज का ट्रेनिंग्स कवर कर लेते हैं तो आपको कौन कौन से साइट पे आप टेंडर भर पाएंगे। सबसे पहला यदि आप यहाँ पे कौन कौन से साइट पे आप टेंडर भर पाएंगे वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहला मैं आपको कुछ गिने चुने ही साइट बता रहा हूं, पर आप बहुत इसको छोड़ के भी बहुत सारे साइट पे टेंडर भर पाएंगे। कैसा कैसा है? ई प्रोक्योरमेंट, सीपीडब्ल्यूडी जो हम लोग बेसिकली बता रहे हैं, ये छोड़ के है आपके पास पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पीएमजीएसवाई। साइट का नाम सब आप लोगों को डिटेल्स में भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। डिफेंस पोर्टल एमईएस, इसको मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज भी बोलते हैं, डिफेंस का ही प्रोक्योरमेंट है, डिफेंस का साइट। सभी साइट पे आप टेंडर भर पाएंगे। इंडियन ऑयल, एचपी, ये हिमाचल प्रदेश का है, सॉरी ये गलत साइट खुला, एचपी, भारत पेट्रोलियम, और भी बहुत सारे ऐसे साइट्स है जिसपे आप टेंडर भर पाएंगे। या फिर आप महाराष्ट्र छोड़ के दूसरे स्टेट से यदि कोई है तो आप अपने अपने साइट्स का भी टेंडर देख पाएंगे। कैसे? यदि आपको साइट अपना देखना है तो आप कैसे देखेंगे, मैं आपको सर्च करके बताता हूँ। और ये है ई ऑक्शन, जहां पे ऑक्शन के टेंडर आते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ऑक्शन का ये यहाँ पर भी आप टेंडर भर पाएंगे, और ये अपना जो साइट है महाटेंडर्स, जहां पे कौन कौन से डिपार्टमेंट के टेंडर है, पीडब्ल्यूडी, जिला परिषद, जेडपी, महा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर परिषद, एग्रीकल्चर, डेयरी, और भी बहुत सारे, पानी पोटा, इरिगेशन, ये सब मेजर डिपार्टमेंट है, ये सब के टेंडर आप यहां से भर पाएंगे। कुछ साइड के टेंडर छोड़ के पुलिस का डिपार्टमेंट है, यदि आप इसके पूरे डिपार्टमेंट का नाम देखना चाहते हैं तो भी मैं बताऊंगा वो पूरे डिपार्टमेंट कौन कौन सा है, वो आप कैसे देखेंगे वो मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं ऑक्शन के साइड, यहां पर भी आप टेंडर भर पाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं टेंडर और ऑक्शन में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आगे जाने से पहले कुछ किसी का कुछ क्वेरी है तो प्लीज आप बताइए, पहले मैं आप लोगों का क्वेरी सॉल्व करता हूँ फिर हम लोग आगे जाएंगे। बोलिए, किसी को कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पहले बताइए, अपने आपको अनम्यूट करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर हम लोग ऑक्शन के साइड के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए आप लोगों को यदि डाउट्स नहीं है हम लोग आगे चलते हैं। ऑक्शन का साइड, इसको हम लोग ऑक्शन के साइड्स पे बताते हैं। ऑक्शन और टेंडर्स, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई मुझे बताएगा? ऑक्शन और टेंडर, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? यदि आपको कुछ भी है बताना है आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं। ऑक्शन और टेंडर्स में डिफरेंस क्या है? जब आप टेंडर लेते हैं, हाँ कोई कुछ अनम्यूट कीजिए और बोल सकते हैं।
ऑक्शन में बोली लगाई जाती है। यस बराबर। और टेंडर में? टेंडर में अपन रेट कोट करते हैं। ओके यस रेट कोट करते हैं एक्चुअली बहुत तक ठीक है। बेसिकली हमारे यदि हम नॉर्मल हम यहाँ पे ना बुक्स के लैंग्वेज देखने वाले हैं ना कुछ, हम यहाँ पे नॉर्मल आप जैसे समझेंगे उसके हिसाब से बताएं ना। यहाँ पे मैं कोई डिफिनेशन देने वाला हूँ कोई भी टॉपिक्स के ऊपर कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको जो समझने वाला लैंग्वेज में उसके ऊपर सिर्फ डिस्कशन करता हूँ। ऑक्शन और टेंडर। टेंडर में क्या होता है, कोई भी कुछ निकलता है, काम निकल सकता है, वर्क निकल सकता है, या फिर गुड्स कोई गुड्स सप्लाई करना हो सकता है, या सर्विसेज। सर्विसेज मतलब जैसे कि आपका मेटेरियल सप्लाई है, सर्विसेज मतलब सिक्योरिटी, आप कोई सिक्योरिटी सप्लाई करोगे, मैन पावर सप्लाई करोगे, या फिर कंसल्टेंसी का, जैसे कि यदि आप एज ए सिविल इंजीनियर हो तो आप कंसल्टेंसी में क्या दे सकते हो, डिपार्टमेंट को एस्टिमेट बना के दे सकते हो, ड्रॉइंग सप्लाई कर सकते हो, ये सभी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस सबको जो हम यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यह सब जो कंसल्टेंसी का है इसको हम लोग सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। हम यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी वगैरह भी है, मैन पावर है, ऐसे बहुत सारे आपके पास सर्विसेस है, तो आप यहाँ पे ये सब चीज सर्विस। ये जहाँ यहाँ पे क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट को कोई भी प्रोडक्ट देते हैं, चाहे काम करके कोई चीज बना के देते हैं, या फिर गुड्स में कोई प्रोडक्ट बेचते हैं और उसके बदले पैसा लेते हैं, या सर्विस देते हैं और सर्विस के बदले पैसा लेते हैं, एएमसी देते हैं कोई चीज का और उससे बदले डिपार्टमेंट से हम पैसा देते हैं, मतलब डिपार्टमेंट को हम कोई चीज काम करके देते हैं और उससे बदले डिपार्टमेंट से हम लोग पैसा लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेंडर। और ऑक्शन में क्या है, हम ऑक्शन से कोई भी चीज परचेज करते हैं, हम यहाँ पे ऑक्शन को डिपार्टमेंट को कोई भी चीज इनडायरेक्टली सेल कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं कोई भी चीज परचेज करते हैं ऑक्शन में। क्या से क्या क्या परचेज कर सकते हैं डिपार्टमेंट से, यदि आप लोगों को ऑक्शन से परचेज बोल सकते हैं तो क्या क्या परचेज कर सकते हैं ऑक्शन के तौर पे, जैसे कि कोई गाड़ी, डिपार्टमेंट वो उस गाड़ी बेचना चाहता है, बहुत टाइम निकलता है गाड़ी के ऑक्शन, रेती सैंड रिवर सैंड मेटल पत्थर, बड़े बड़े पत्थर वगैरह जो पहाड़ों पे रहते हैं, या फिर गवर्नमेंट का कोई भी गेस्ट हाउस रेंट पे देता है, या आपके घर में आपके बाजू में कोई तालाब है वो तालाब रेंट पे मिलता है, जो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है वो एज ए रेंटेड लीज पे, या फिर गवर्नमेंट डायरेक्ट सोल्ड करती है सेल करती है। जब गवर्नमेंट ऐसे चीज को करती है तो ये हमारा ऑक्शन के ऊपर आता है, हमको वहां पे बोली लगाना पड़ता है। टेंडर में क्या होता है, कम से कम कम जो सबसे कम में रेट देगा उसको वो टेंडर मिलेगा। ऑक्शन में क्या होगा, इसके रिवर्स, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको यहाँ पे ऑक्शन में उसको वो प्रोडक्ट मिलेगा। किसी को कुछ डाउट्स है तो बोलिए। कुछ भी डाउट्स है किसी को तो आप हमें से पूछ सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे जो भी साइड्स है आप ये सभी साइड में आप टेंडर भर पाएंगे, ये छोड़ के स्टेट, जैसे कि आप लोगों को दिखाया महा टेंडर, आप जो भी स्टेट का टेंडर भरना चाहते हैं वो स्टेट के टेंडर का आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि उसके आगे डाल दीजिए ई प्रोक्योरमेंट, क्या डालना है, ई प्रोक्योरमेंट कहाँ का डालना है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ रहा है, हमारे महाराष्ट्र है, नियर बाय हम कहाँ का भर सकते हैं, कर्नाटका, कर्नाटका का भर सकते हैं, और एमपी भर सकते हैं, यदि कोई यहाँ से गुजरात का भर सकते हैं, दिल्ली का भर सकते हैं, ई प्रोक्योरमेंट दिल्ली, तो देखिए यहाँ पे दिल्ली का टेंडर्स का आपको मिल जाएगा। सेम पोर्टल है, अलग कोई डिफरेंस इसमें और दूसरे कोई भी पोर्टल में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम तरह का पोर्टल है, सिर्फ आपको टेंडर भरने का तरीका सब कुछ सेम है, सिर्फ पोर्टल का नाम यहाँ पे अलग, ये है टेंडर दिल्ली। अब दूसरा साइड में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश है, ये इंडियन ऑयल है, ये डिफेंस का पोर्टल है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज भी बोलते हैं, ये सीपीडब्ल्यूडी पीएमजीएसवाई, और यहाँ पर भी ये सीपीडब्ल्यूडी का, और ये अपना महा टेंडर जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली हम कोई भी ऐसा नहीं है, हम सभी पोर्टल के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, सब पोर्टल के ऊपर सबका प्रोसेस सेम है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। यदि आपको स्टेट में आपने रजिस्ट्रेशन कराया, जैसे कि आपने महा पीडब्ल्यूडी महा टेंडर पीडब्ल्यूडी का रजिस्ट्रेशन कराया है,
तो आप हाँ मतलब टेंडर भर सकते हैं, आप भाई भाई सीपीडब्ल्यूडी के टेंडर भर सकते हैं, पीएमजीएसवाई के टेंडर भर सकते हैं, डिफेंस के भी टेंडर भर सकते हैं, इंडियन ऑयल के भी टेंडर भर सकते हैं, एचपी के भी, ये एचपी का साइड नहीं है, एचपी के भी टेंडर भर सकते हैं, ये सभी साइड में टेंडर भर सकते हैं, पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ महा टेंडर्स में ही टेंडर भरते हैं। तो अपने आप को बड़ा कीजिए, महा टेंडर्स में काफी कंपटीशन आ चुका है, तो थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए और अलग अलग साइट पे भी टेंडर देखिए। यदि आपके पास पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस है तो वहां पर भी यही लाइसेंस के बेस पे आप दूसरे साइट पे भी टेंडर भर सकते हैं, सभी स्टेट वाले के लिए सेम रूल्स है। तो आप वहां पे रूल्स रेगुलेशन देखिए और उसके रूल्स अगर सिर्फ क्या है वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास और भी बेनिफिट्स है, जैसे कि दूसरे साइड में आप जहां पर भी भरते हो सीपीडब्ल्यूडी है, यदि आपके पास अभी जैसे उद्यमी है, पहले उद्योग आधार बोलते थे एमएसएमई, एमएसएमई रहा तो भी आपको यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि L1+15%, यदि आप लोएस्ट हो तो उसके साथ 15% का आपको एग्जम्पशन मिलता है, प्लस एमएसएमई में छूट मिलता है, आपको कोई भी टेंडर पे एमएसएमई नहीं भरना पड़े, सॉरी जी आपका ईएमडी अमाउंट नहीं भरना पड़ेगा, जो ईएमडी अमाउंट 1% 0.5 से लेके 2% तक होता है, जनरली हर एक टेंडर में 1% ही रहता है, पर 0.5 से 2% हो सकता है, तो यदि ऐसा आपके पास लाइसेंस रहा तो आपको ईएमडी नहीं भरना पड़ता है, तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलती है, तो आप यहाँ पे इसका बेनिफिट ले सकते हैं और आप यहाँ पे टेंडर भरने में आगे जा सकते हैं। बोलिए तो किसी को कुछ डाउट्स है तो हम लोग आगे पहले क्लियर करते हैं फिर आगे चलेंगे। सर पीएमजीएसवाई में कौन से टेंडर रहते कहाँ पे पीएमजीएसवाई? पीएमजीएसवाई में पद, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का टेंडर है, आप देखिए यहाँ पे टेंडर, अभी यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी टेंडर्स में तो ये जैसे लेटेस्ट टेंडर देखते हैं, यहाँ पे हम लोग एक टेंडर देखते हैं, यहाँ पे रोड्स के ज्यादातर काम निकलेंगे, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना रोड वर्क, यहाँ पे सभी छोटे छोटे रोड कहाँ के टेंडर है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टेंडर कहाँ का है, लोकेशन सर सीएमजीएसवाई का भी होता है क्या? क्या बोले सर? सीएमजीएसवाई का भी टेंडर होता है? हाँ होता है ना सर, सभी जितने भी पोर्टल्स है तो सभी का आपको पोर्टल्स के टेंडर्स मिलेंगे, ये उसके टेंडर कहाँ प्रधानमंत्री पे ग्रामीण मिलेंगे? सड़क योजना सीएमजीएसवाई के तहत। क्या बोले सर? चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर सर हाँ बेटा उनके उसका फंड का टेंडर कहाँ क्या? मिलेगा सीएमजीएसवाई का? सीएमजीएसवाई एक्चुअली उसके लिए अलग से पोर्टल होगा हाँ इसका पता नहीं, सीएमजीएसवाई शायद वो पीएमजीएसवाई के अंडर ही होगा, सिर्फ उसका अलग से आयुक्त होगा। सर एक मिनट, ठीक है ये आपको पीएमजीएसवाई के अंडर ही मिलेगा, सिर्फ फंडिंग अलग अलग होता है। अभी आप बोलेंगे जैसे कि जिला परिषद में फंडिंग कौन करता है, बहुत महाराष्ट्र सारे लोग फंड कर सकते हैं ना, हर एक टेंडर्स पे, टेंडर पे फंडिंग अलग अलग लोग करते हैं, आमदार निधि होता है, खासदार निधि होता है, तो आमदार निधि का टेंडर कहाँ मिलेगा, खासदार निधि का टेंडर कहाँ मिलेगा, ऐसे हम नहीं बोल सकते, खासदार निधि का टेंडर भी आमदार निधि का टेंडर भी सब आपको आपके साइट पे महा टेंडर्स के, यदि महाराष्ट्र का है तो महा टेंडर्स पे अपने अपने जो स्टेट का है वहां के साइट पे ही मिलेगा, अलग कोई दूसरी जगह पे नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा निधि अलग हो जाएगा, जब इसके टेंडर नोटिस पढ़ेंगे आप, ये टेंडर नोटिस में लिखा रहता है ये कौन फंडिंग कर रहा है, फंडिंग टेंडर्स बाय ऑर्गेनाइजेशन में लिखते हो? वो तो ऑर्गेनाइजेशन अलग है। अभी आप आमदार निधि या खासदार निधि की यदि फंड की बात करेंगे तो वो निधि का जो फंडिंग है वो जेडपी को भी दे सकता है, पीडब्ल्यूडी को भी दे सकता है, कॉरपोरेशन को भी दे सकता है। वो कौन तय कर सकता है सर? वो कौन तय करता है? वो आमदार या खासदार ही तय करते हाँ हैं क्या? वो उनका फंड है, वो लोग उनके अपने हिसाब से वो लोग फंड डिस्कशन करके वो लोग अपना जो आमदार है वो डिसाइड करेगा तो कहाँ पे ये काम करवाना है। अभी यदि ओके वो एरिया यदि उसने उनको लगा ये रोड बनाना है मुझे, अभी वो रेड किसके अंडर में आता है, वो रोड
जेडपी के अंडर में आता है तो जेडपी को फंड रेज करेगा, पीडब्ल्यूडी के अंडर आता है तो पीडब्ल्यूडी को फंड रेज करेगा, कॉर्पोरेशन के अंदर आता है तो कॉर्पोरेशन को फंड रेज करेगा। समझ में आया? बोलिए सर, बाकी बोलिए। और हेलो कुछ डाउट्स है? हाँ बोलिए सर, ये जो आपने कहा ना, ये पॉइंट ध्यान में नहीं आया, ईएमडी 0.5% to 2% जनरली 1%। 0 ईएमडी क्या होता है? कोई भी टेंडर का ईएमडी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है जो 0.5 से लेके 2% तक होता है टेंडर वैल्यू का। अभी एक टेंडर है 10 लाख का, तो 10 लाख का 0.5% से लेके 2% तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है वो डिपार्टमेंट कितना आपको देते हैं, वो डिपार्टमेंट लोग डिसाइड करते हैं कितना रखने का, किसको 0.5 रखना है, 1 लेना है या 2% लेना है। तो उसके हिसाब से तो ये अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को भरना पड़ता है। यस, अभी ये आपको एएमडी आप देखेंगे तो ये एएमडी देखो 5000 है, तो ये टेंडर वैल्यू कितना है? इसका टेंडर वैल्यू नहीं दिया हुआ है, नहीं तो यहाँ पे टेंडर वैल्यू रहता है, टेंडर वैल्यू यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, इसके ऊपर इसका परसेंटेज रहता है। तो ये आपको पेमेंट देना पड़ता है टेंडर भरने से पहले। हाँ, और आपने क्या बोला था कि ये जो फैसिलिटी है वो क्या सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में मिलती है, ऐसा कुछ कहा था ना आपने? हाँ, जैसे कि आपको यदि आप यहाँ पे भरते हो सीपीडब्ल्यूडी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो यहाँ के टेंडर में क्लॉज लिखा रहता है जनरली। आप इसको देखो, ये सभी चीजें क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। जो क्लॉज में लिखा रहता है कि आपको ईएमडी, यदि आपके पास एमएसएमई है, टेंडर में लिखा रहा यदि एमएसएमई है तो आपको उसमें एग्जम्पशन मिलेगा। तो यहाँ क्लॉज यदि रहा तो आपको वो टेंडर जब आप भरेंगे, चाहे वो महाड़ टेंडर्स में भी होने, तो वो क्लॉज यदि आपको रहा तो आपको वहां पे ईएमडी पैसा नहीं भरना पड़ता है, और आपका वो सिर्फ आपको टेंडर फीस भरना है, उसके ऊपर आप टेंडर ले सकते हैं। तो ये चीज महा टेंडर में भी हो सकती है? हो सकती है, अगर क्लॉज में दिया होगा तो, क्लॉज में रहा तो। थैंक यू सर। और जिन लोग सूबे हैं, जिनके पास मजदूर संस्था सोसाइटी है, सूबे मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर, उनको तो ईएमडी में एग्जेम्पशन मिलता ही मिलता है। अच्छा, यानी क्लॉज में हो या ना हो, हाँ उनके पास तो उनके लिए एग्जेम्पशन है। ओके। नहीं क्लॉज तो चाहिए, क्लॉज विदाउट क्लॉज आप डालेंगे तो आपको ये वो लोग ये निकाल सकते, टेंडर के क्लॉज होने चाहिए। अच्छा, अगर सुबह यानी अनएम्प्लॉयड इंजीनियर भी है, अगर क्लॉज में नहीं है तो फिर भरना ही पड़ेगा? नहीं, फिर आपको भरना पड़ेगा। ओके। बोलिए बाकी, और किसी को कुछ डाउट है? हेतु बोलिए। देखिए टेंडर का एक उनके लिए हर एक के लिए जीआर अलग अलग है, टेंडर फीस कितना लगेगा, कितने अमाउंट को कितना टेंडर फीस लगेगा, उसके लिए जीआर डाला हुआ है, वो जीआर मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, जहां से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने टेंडर को कितने फीस नॉर्मली एज ए रूल होता है। तो वो टेंडर फीस होता है, ये टेंडर फीस एक्चुअली किस लिए होता है कि आपका जो भी काम है, जो आप ये टेंडर निकाल रहे, तो टेंडर निकालने के लिए जो खर्चा होता है, वो खर्चा निकालने के लिए, जैसे कि ये टेंडर निकालने के लिए प्रिंटिंग का कॉस्ट पड़ता है, टेंडर के लिए आपको पेपर में डालना पड़ता है तो पेपर पब्लिशिंग का कॉस्ट पड़ता है, और भी आगे का जो भी खर्चा है, स्टेशनरी का खर्चा है, ये सब खर्चा टेंडर फीस से निकालने के लिए टेंडर फीस एक रखा जाता है। और ईएमडी ये मनी डिपॉजिट अमाउंट है, ताकि जेन्युइन बिडर आए उसलिए आपसे एक डिपॉजिट पैसा लिया जाता है, और वो डिपॉजिट का पैसा यदि आपको टेंडर नहीं मिला तो वो आपका ईएमडी रिफंड कर दिया जाता है, मतलब तो वो पैसा आपको जिस अकाउंट में डाले थे उसी अकाउंट से आपको रिफंड मिल जाएगा उसी अकाउंट में। यदि आपको टेंडर मिल गया तो वो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और सर, अगर टेंडर नहीं मिलता है तो टेंडर फीस तो नहीं रिटर्न मिलेगी ना? टेंडर फीस रिफंड कभी नहीं मिलता, टेंडर फीस आपको एक ही कंडीशन में रिफंड मिलेगा, यदि टेंडर गवर्नमेंट लोगों ने कोरिंडम किया या गवर्नमेंट ने खुद से कैंसिल किया तो, अदरवाइज टेंडर फीस आपको कभी रिफंड नहीं मिलेगा। बाय देयर ओन मिस्टेक,
ओके। और ये जो ईएमडी रिटर्न आती है, मानो टेंडर अगर नहीं मिलता है तो उसमें कुछ डिडक्शन होता है क्या? नहीं कोई डिडक्शन नहीं, पूरा का पूरा मिलता है। और ये कैसा कि ईएमडी का कन्वर्जन एसडी में सिक्योरिटी डिपॉजिट में कैसे कहा आपने? वो आपको उस टाइम पे जब आपको वर्क ऑर्डर होगा ना, वर्क ऑर्डर में लिख के दे देगा आपको, ओके 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 ये सब वर्क ऑर्डर के टर्म्स एंड कंडीशन में आपको लिखा हुआ रहता है। ओके ओके ठीक है या सर। कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी करती है, आपको ईएमडी आपको रिफंड कर देती है और सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा अलग से लेती है, ऐसा भी करती उसका क्या पर्पज है सर सिक्योरिटी डिपॉजिट का? ईएमडी का तो आपने है। बोला कि सिक्योरिटी डिपॉजिट आप जब काम कर रहे हो तो आपसे एक डिपॉजिट पैसा लिया जाता है। जनरली ये ओके प्राइवेट काम पे भी होता है, आप कोई भी प्राइवेट में भी काम करने जाओ तब भी ये होता है। 5% का आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है, जो भी आपका ओके वर्क डन होगा उसका 5% आपके हर एक आरे बिल से कट होता हुआ निकलेगा। और जो भी काम आपने कंप्लीशन दस के लाख का बाद, काम किया और तो 5% आपका कट होगा, वर्क कंप्लीशन के बाद वो पैसा रिटर्न आ वो जाता है क्या? पैसा आपको। हाँ उसके बाद एक डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होता है, डीएल पीरियड बोलते हैं, वो ओके डीएल ओके पीरियड के बाद आपको पैसा आपको रिफंड मिलता है। ओके मींस जस्ट फॉर पर्पज ऑफ सिक्योरिटी। हाँ एज ए सिक्योरिटी, जाके आप काम हाँ छोड़ के हाँ गए या फिर काम में कुछ गलत हुआ और उसके बदले वो पैसा वो कहाँ से रिलायबल करे, तो ओके वो ओके पैसा ओके आपको, हाँ हाँ इसलिए एक सिक्योरिटी के तौर पे रखा जाता है पैसा। यानी एसडी की बात अलग में है, बाद में है, पहले ईएमडी की बात होती है। पहले ईएमडी, यस अगर टेंडर मिलता है तो ईएमडी विल बी कन्वर्टेड इनटू एसडी। यस सर। सर हाँ हाँ बोलिए। सर, ईएमडी कितने दिन में वापस मिलता है अगर टेंडर नहीं मिला? ईएमडी सर आपको मैं आ गया, जब टेंडर का बारे में स्टडी करूंगा पूरा तो मैं आपको ईएमडी का सभी डिटेल्स में बताऊंगा, ईएमडी आपको कितने दिन में रिफंड मिलेगा। जब हम लोग इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आगे के क्लास में, तब आपको मैं इसके बारे में पूरे डिटेल्स में बताऊंगा, ईएमडी रिफंड कब से मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा, कितना परसेंट है, उसको भरना कैसे, टेंडर का हम लोग प्रोसेस आगे से आगे जाएंगे। अभी सिर्फ अपना हम लोग एक जनरल डिस्कशन कर रहे थे, पर आपकी क्वेरी आने लगी इसलिए हम लोग इसके ऊपर आपको रिप्लाई देने लगे। ओके सर सर, लास्ट वन सर, बोलिए। सर ऐसा सुना है कि 3 या 3.5 लाख के नीचे अगर अमाउंट है तो टेंडर नहीं निकलते हैं, और उसके टेंडर, हाँ ऊपर 3 लाख एज ए रूल, 3 लाख के नीचे हाँ तो टेंडर वो ऑफलाइन भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऑनलाइन डाले, पर चाहे तो वो ऑनलाइन डाल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि ऑनलाइन नहीं आएगा, वो ऑनलाइन डाल भी सकते हैं, पर वो 3 लाख से नीचे ऑफलाइन भी पब्लिश कर सकते हैं विदाउट, मतलब यहाँ पे ऑनलाइन छोड़ के वो ऑफलाइन में भी वो काम करवा सकते हैं, ऐसा रूल्स है। तो उसमें भी ईएमडी और एसडी कंसेप्ट आती है क्या अगर हाँ उस ऑफलाइन सब होता है में तो? रूल्स सबके लिए सेम है, ओके अलग ओके रूल्स नहीं है। 3 लाख के नीचे सिर्फ वही रूल नहीं है, उसके साथ और एक रूल्स मर्ज होता है, जनरली लोग ये नहीं बताते हैं, सिर्फ एक ही बताते हैं। यदि कोई भी एक आइटम, कोई भी एक आइटम उसमें से 1 लाख से ज्यादा का हुआ तो भी वो आपको ऑनलाइन निकालना जरूरी है। अब एक टेंडर है मान लो 1.2 लाख का, उसमें से सिर्फ अभी सीमेंट है, सीमेंट ही वहां पे 1 लाख का लगने वाला है, तो वो टेंडर ऑफलाइन नहीं पब्लिश कर सकते, उसको ऑनलाइन ही पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वैल्यू 3 लाख से नीचे हो। या फिर कोई सिंगल आइटम 1 लाख से ज्यादा का हो, ए सॉरी 1 लाख से नीचे का हो, कोई भी जो आइटम है वो सभी आइटम 1 लाख से नीचे का होना चाहिए। मतलब टोटल वैल्यू चाहे 3 लाख से नीचे हो, बट अगर कोई एक आध प्रोडक्ट 1 लाख से ज्यादा जा रहा है तो उसको टेंडर में ही कन्वर्ट करना हाँ पड़ेगा। ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, टेंडर में नहीं हाँ ऑनलाइन करना पड़ेगा। सॉरी, ऑनलाइन करना पड़ेगा। यस ओके ठीक है सर। यस बोलिए, और आगे किसी को कुछ डिटेल्स सर, बोलिए। ये जो अलग अलग जो वेबसाइट है इनका डीएससी अलग होता है क्या? नहीं, सेम एक ही डीएससी से आप सभी जगह पे टेंडर भर पाएंगे, आपको अलग से कोई डीएससी निकालने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही सिंगल डीएससी से सब जगह पे इनरोलमेंट कर सकते हो, अलग डीएससी की जरूरत नहीं है, अलग ईमेल आईडी की जरूरत नहीं है, अलग पैन इंडियन कार्ड की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ एक रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है सर। डीएससी ठीक मतलब है, क्या क्या बोले सर? होता है? डीएससी मतलब क्या? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ओके ओके हम लोग आगे डीएससी के बारे में थोड़ा आपको डिटेल बताऊंगा बेसिक लेवल पे। बोलिए, बाकी और किसी को कुछ डाउट है? सर,
मेरा एक डाउट ऐसा था अभी, जैसा आपने बताया अगर एमएसएमई है तो ईएमडी एग्जेम्प्ट है बराबर? यस सर। तो उसके लिए कोई उसमें एक चीज पूछता है कि अपलोड डॉक्यूमेंट, तो उसमें क्या अपलोड करना चाहिए आपको सर? एमएसएमई का सर्टिफिकेट। अच्छा, एमएसएमई सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहिए। यस सर। या और कुछ, जीआर या जरूरत नहीं है उसकी? नहीं है और कुछ तो नहीं है। आप जिसके लिए एग्जम्पशन ले रहे हो वही आपको अपलोड करना है। तो एमएसएमई सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यस सर। ओके सर, व्हाट इज मीन बाय एमएसएमई? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस बोलते हैं, जहां पे माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो कंपनीज है वो वहां पे उसका निकल सकते, जो अब उसको हम लोग उद्योग आधार भी बोलते हैं। अभी उद्योग आधार बंद हो चुका। ठीक है सर। आप लोगों को पता है उद्योग आधार बंद होके क्या हो गया? उद्यम हो गया। उद्यम, उद्यम। हाँ, वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एमएसएमई का जेडपी से कोई रिलेशन नहीं ना? एमएसएमई का जेडपी से, देखो रूल सबके लिए सेम होता है, पर उसके टेंडर के क्लॉज जेडपी में आपको जनरली देखने को नहीं मिलेंगे। ये सभी जो आपके क्लॉज है ये जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको मिलता है, पर महा टेंडर्स में भी देखिए बहुत ऐसे कम रेयर में टेंडर मिलेगा जहां पे आपको ये क्लॉज मिलेगा, बाकी का में कहीं पर भी क्लॉज नहीं मिलेगा। ठीक देखिए, और ठीक है तो हम लोग आगे चले। यस सर। देखिए तो सबसे पहले यदि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है तो देखिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यहाँ पे कोई भी साइड होने दीजिए, कोई भी साइड, सब जगह पे आपको यदि रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे कि सीपीडब्ल्यूडी में मैं रजिस्ट्रेशन करके कर देता हूँ, आपको यदि महाटेंडर्स में करना है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आएगा सबसे पहला, यदि आपको टेंडर भरना है, जो साइड में आपको टेंडर भरना है उस साइड में आपको रजिस्ट्रेशन सबसे पहला करना पड़ेगा। जो भी साइड में आपको टेंडर बना है उस साइड पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बीडर इनरोलमेंट, बीडर इनरोलमेंट। तो कैसे बीडर इनरोलमेंट करते हैं, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन बीडर इनरोलमेंट, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ऑनलाइन बीडर इनरोलमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एक बेसिक लेवल पे फॉर्म आएगा, ये फॉर्म फिल करना है। यदि आपके पास किसी के पास भी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, दैट इज द फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आपको डिटेल्स क्या क्या लगेगा, एक लॉगिन आईडी लगेगा मतलब, या फिर ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, कंपनी का नाम, यदि आपके पास उद्योग आधार है तो उद्योग आधार का डिटेल्स, उसका नाम, उसका नंबर, या सॉफ्टवेयर का नंबर, या फिर आपके पास जेडपी पीडब्ल्यूडी या फिर जो भी रजिस्ट्रेशन है जिला परिषद नगर परिषद वहां का रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, आपका प्रॉपर एड्रेस, सिटी स्टेट पोस्टल कोड, और जो जिनका आपके कंपनी का जो भी आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स होगा उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका डिटेल्स, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे लगेगा। इसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। सबसे पहला लॉगिन आईडी, लॉगिन आईडी आपको ईमेल आईडी के फॉर्म में डालना है, सिर्फ इतना ही रखो, पर अपने को ध्यान में रहे इसलिए हम जनरली क्या करते हैं लॉगिन आईडी और ईमेल आईडी दोनों सेम डाल देते हैं ताकि हम भूले नहीं, पर आप लॉगिन आईडी और ईमेल आईडी दोनों अलग भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लॉगिन आईडी सबसे पहला तो मैं यहाँ पे डालता हूं, मेरा आदित्य पंडित, ये मेरा ईमेल आईडी है, आप लोग चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो यहाँ पे आप ईमेल भी डाल सकते हो, आदित्य पंडित 0508@gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है, मैं इसी को लॉगिन आईडी बना देता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, फिर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। आप मेरे साथ साथ यदि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो मैं आपको व्हाट्सएप का नंबर देता हूँ, वहां पे आप मुझे शेयर कर दीजिए, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा, मतलब क्या है मैं चेक कर लूंगा और आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी का अभी हम लोग
कर ले। तो देखिए मोबाइल नंबर यहाँ पे कोड, लोग यहाँ पे डायरेक्ट मोबाइल नंबर डाल देते, तो ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे कोड चूज करना है, मोबाइल नंबर आईएनडी या मोबाइल नंबर कंपनी का नाम, जैसे कि मेरा नाम कंपनी का नाम भगत टेक्नो आईटी, ये कंपनी का नाम यहाँ पे डाल दे रहे। प्रेफरेंशियल बिडर में यस करेंगे तो आपके पास एमएसएमई का लाइसेंस होना चाहिए, या फिर अभी नया ये अपडेट हुआ है मेक इन इंडिया, तो आपके पास मेक इन इंडिया का होना चाहिए या फिर एमएसएमई, ये आपको अभी नया अपडेट हुआ है यहाँ पे मेक इन इंडिया या फिर एमएसएमई, ये दोनों में से आपके पास एक का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एमएसएमई यदि है तो, यदि नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको यहाँ से निकाल दीजिए, तो आपको यहाँ पे कोई भी डिटेल्स नहीं पूछा जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर में आपके पास क्या क्या डाल सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन नंबर में सबसे ज्यादा कंपनी, आप रजिस्ट्रेशन नंबर किसका है पर ये देखिए एक कंपनी का, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, सॉपेक दुमास्टा लाइसेंस, हम वो डालेंगे। यदि नहीं है तो आपके पास एमएसएमई है तो एमएसएमई का नंबर डाल सकते हैं, यदि एमएसएमई भी नहीं है सॉपेक में नहीं तो जो भी आपके पास लाइसेंस है, जैसे कि पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस है तो पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस नंबर, जेडपी है तो जेडपी का लाइसेंस नंबर, कॉर्पोरेशन का है तो कॉर्पोरेशन का, जो भी आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है लाइसेंस है उसका आप डाल, जैसे कि मैं यहाँ पे एड्रेस, प्रॉपर आपका एड्रेस होना चाहिए, मैं एड्रेस डाल दिया। नंबर ऑफ नेम ऑफ द पार्टनर या डायरेक्टर, आपके पास यदि पार्टनर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड है तो पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप कंपनी भी हो तो अलग अलग होता है, वो सबके पार्टनर्स के नाम आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मेरी कंपनी पार्टनरशिप है तो मैं कैसे डालूंगा, यहाँ पे मेरा नाम आदित्य पंडित कोमा, मेरा और एक पार्टनर है दत्ता सर, दत्तात्रेय इंग्ले, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे डाल, ठीक है। एड्रेस, मैं सिटी पुणे से बिलोंग करता हूँ, स्टेट महाराष्ट्र, ये मेरा पोस्टल कोड, ये मेरा पिन नंबर, तो मैं यहाँ पे पिन नंबर डाल दूंगा। मेरा पिन नंबर मैंने डाल दिया 2020, कभी मेरा कंपनी चालू हुआ था, कंपनी चालू हुआ। नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस का नेचर क्या है, सिविल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, कारपेंटर, क्या है, गुड सप्लाई करने का है या फिर एज ए कंसल्टेंट है, लेबर सप्लाई करते हो, सिक्योरिटी सप्लाई करते हैं, एएमसी प्रोवाइड करते हैं, जो भी आप देते उसका आपको नेचर ऑफ सर्विस, अपना ट्रेनिंग, ट्रेनिंग डाल। लीगल स्टेटस यहाँ पे कैसा, देखिए यहाँ पे लिमिटेड कंपनी है, अंडरटेकिंग है, जॉइंट वेंचर है, पार्टनरशिप है और अदर्स, आपकी कंपनी किस कैटेगरी में आती है, लिमिटेड कंपनी में आती है क्या, या अंडरटेकिंग में आती है, जॉइंट वेंचर या जेबी में आती है, पार्टनरशिप में आती है। यदि आपकी कंपनी सिंगल ओनर, एक ही ओनर का है, तो आपको क्या चूज करना है, अदर्स, प्रोप्राइटरशिप है जिसको हम लोग प्रोप्राइटर, यदि आपकी कंपनी पार्टनरशिप है, जैसे मेरी कंपनी पार्टनरशिप है तो मैं यहाँ पे पार्टनर, यदि दो कंपनी मर्ज हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जेबी, जॉइंट वेंचर। कंपनी कैटेगरी कैसा है, यदि आपके पास एमएसएमई है तो एमएसएमई के अकॉर्डिंगली तीन सर्टिफिकेट होते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम, यहाँ पे एनेक्सिलरी यूनिट होता है जिसका उसका सर्टिफिकेट अलग से निकलता है, वो है तो आप डाल सकते हैं। प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन ऑफ द कंपनी, ये भी हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, यदि प्रोजेक्ट अफेक्ट, यदि आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप हुआ तो आप प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन ऑफ द कंपनी डाल सकते, या फिर SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं, इसका लाइसेंस यदि है तो आप ये भी डाल सकते हैं, यदि ये छोड़ के आपको लगता है कोई भी नहीं है तो आप इसको अदर्स में भी चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइटल, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अभी यहाँ पे कंपनी का हो चुका, अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर कैसा है, मिस्टर
क्या नाम है, जो लोग यदि इनके स्टैंडर्ड के बारे में कुछ भी डाउट्स रहा तो किसी को इंक्वायरी करेंगे। आदित्य पंडे डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन से आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेजिग्नेशन क्या है आपका इस कंपनी में, तो मैं इस कंपनी का ओनर हूं तो ओनर डाल सकते हैं या फिर पार्टनर। यदि प्रोप्राइटरशिप हुआ तो क्या डालने का, प्रोप्राइटर। मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो छोड़ सकते हो, नहीं तो डालना है तो डाल सकते। इसके बाद यहाँ पे आता है फिर से फोन नंबर। अभी ये लैंडलाइन के फॉर्म में देखो, अब लैंडलाइन नंबर तो अभी तो होता नहीं है किसी के पास, यहाँ पे कैसा डालना है, यहाँ पे फोन INDI कोड INDI और फिर यहाँ पे डालना है 30, क्या डालना है 30। जब लैंडलाइन है तो लैंडलाइन नंबर डालो, नहीं है तो 30। और इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल, जैसे मेरा मोबाइल नंबर मैं डाल, और जो लैंडलाइन नंबर है और लैंडलाइन नंबर कैप्चा, ये जो कैप्चा है इसको हम लोग डालेंगे। हर एक के लिए सेम है, हर एक स्टेट के लिए, ये देखो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा हूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन होगा। सेम यदि मिलिट्री का करता था तो, या PMGSY का करता था तो PMGSY में भी सेम फॉर्म है, किसी में भी अलग तरीके का फॉर्म नहीं है। इसको आपको डाल के इसको सबमिट करना है, हो गया। या मुझे चेक करने को मिल रहा है सब कुछ प्रॉपर है क्या, यस प्रॉपर है, तो मुझे वेरिफिकेशन कोड भेज दो। जैसे ही मैं सेंड वेरिफिकेशन करूंगा मुझे मोबाइल नंबर और ईमेल पे मुझे एक OTP आएगा और वो OTP मुझे इधर सबमिट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे 900 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक कर देता हूँ, चेक कर लीजिए सब कुछ प्रॉपर है, यस सब कुछ प्रॉपर है, सेंड वेरिफिकेशन कोड। देखिए आप मोबाइल पे और ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड चला, मुझे यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है, ये मेरा ID है, ये मेरा लॉगिन। यदि इनके साथ लॉगिन ID भूल गए तो आप इसको अच्छे से रख लीजिए कॉपी कर। पासवर्ड की कुछ पॉलिसीज है, उसके अकॉर्डिंगली पासवर्ड डालना पड़ेगा, जैसे कि 8 to 10, 32 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, 8 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए और 32 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एनी इंग्लिश लोअर केस एंड अपर केस, लोअर केस भी होना चाहिए और अपर केस भी होना चाहिए। नंबर्स भी होने चाहिए, 0 to 9 के बीच में एक नंबर्स भी होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और उसमें से यही सब जो ब्रैकेट में डाला हुआ है उसमें से ही कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ये सब कुछ आपके पासवर्ड में होना चाहिए तो ये पासवर्ड लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। ये वेरिफिकेशन मोबाइल ईमेल का वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, नया पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, सबमिट करेंगे, ये सबमिट हो जाएगा। बोलिए किसी को कुछ डाउट्स है? हाँ सर बोलिए। सर ये जो अभी कंपनी नेम है इसके पहला वाला, हाँ बोलिए एक मिनट सर मैं इसको रखा था। तो सर अभी मान लो कि हमारा सुबह का है रजिस्ट्रेशन, सुबह का है, यस यहाँ पे एक स्पेशल है सुबह का, यहाँ पे मजदूर सस्ता है सुबह है। अभी ये केस में क्या होता है, यदि सुबह का लाइसेंस है जिसको हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर बोलते हैं, तो यहाँ पे कंपनी नाम में कंपनी का नाम नहीं डालने का, यहाँ पे कंपनी का नाम क्या है आपका खुद का नाम, कंपनी नेम में आपका खुद का नाम ही डालने का। हाँ, जो अपना खुद का पूरा नाम है वो डालना है। यस, वही नाम, तभी आप दूसरा कोई नाम डालेंगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब सर यानी यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि XYZ कंस्ट्रक्शन ऐसा नाम नहीं, 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 नहीं ऐसा नहीं, सुबह का है तो सुबह वाले अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर वाले अपना खुद का ही नाम डालेंगे। ओके, जो यहाँ पे जो नाम डालेंगे कंपनी का उस नाम से सब डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास, उस नाम से ITR होना चाहिए, उस नाम से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट सेंटर में मांगा जाएगा वो सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे उसी नाम से होना चाहिए, वही नाम डालना है। सेकंड चीज, जो प्रेफरेंशियल बिडर है, हाँ, तो ये सुबह के लिए एप्लीकेबल नहीं है ना? है एप्लीकेबल, सुबह वाले भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है जरूरत उनके लिए, ऐसे भी उनको एग्जम्पशन वगैरह मिलता ही है तभी उनको उतनी जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी यदि आपके पास है, आपने MSME निकाला है, उद्यमी निकाला है, तो आप यहाँ पे अपडेट करके रख सकते हैं। सर नेक्स्ट वन नेम ऑफ पार्टनर्स और डायरेक्टर्स,
तो यहाँ अपना खुद का ही आएगा ना, खुद का ही नाम आएगा। यदि ये कंपनी प्रोप्राइटरशिप है तो सिर्फ खुद का ही नंबर, खुद का ही आएगा। हाँ, दूसरा एक मिनट, एस्टेब्लिशमेंट ईयर तो जो साल में अपना ये बना है रजिस्ट्रेशन वो आएगा। नेचर ऑफ बिजनेस सर, नेचर ऑफ बिजनेस में बोलिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्या क्या वहाँ पर हमें इनपुट करना पड़ेगा नेचर ऑफ बिजनेस में? सिविल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, क्या करना चाहते हैं आपका, क्या है बिजनेस का नेचर क्या है? अपना तो सिविल, इलेक्ट्रिकल का दुकान है, इलेक्ट्रिकल शॉप है, इलेक्ट्रिकल शॉप है, जो भी आपका बिजनेस का नेचर क्या है, क्या बिजनेस में आप काम करते हैं? हमें डेवलपमेंट करना है सिविल वर्क। क्या बोले सर? सिविल वर्क। हाँ, सिविल वर्क डाल दीजिए, खत्म हो गया। लीगल स्टेटस में क्या आएगा सर? क्या बोले सर? लीगल स्टेटस, लीगल स्टेटस में डिपेंड करता है आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है लीगल स्टेटस में। लीगल स्टेटस में आपकी कंपनी कैसी है, यदि प्रोप्राइटरशिप है तो अदर्स कर दीजिए। सर, ओनर और प्रोप्राइटर में क्या डिफरेंस है? ओनर और प्रोप्राइटर में देखिए, ओनर प्रोप्राइटर भी एक तरह का ओनर ही है, ऐसा कुछ जनरली ऐसा डिफरेंस नहीं है, लैंग्वेज सिर्फ अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो अभी मैं यानी ये पूछना है मुझे कि अगर मेरा सुबह का रजिस्ट्रेशन है जिला परिषद का, तो लीगल स्टेटस में मुझे क्या अदर में जाना पड़ेगा? कंपनी कैटेगरी, हाँ वहाँ पे आपको डालना है, अदर्स भी कर सकते हो या प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन ऑफ द कंपनी भी कर सकते हो। पीएपी या अदर्स, बस सर हो गया। तो यहाँ पे आपके पास हो गया, इन केस जैसे कि हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे और अपना 900 सेकंड पार हो गया और हमने यहाँ पे कोड नहीं डाला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ये आईडी का मुझे अभी नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नया फॉर्म भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं। ये मेरा आईडी मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे फिर से पासवर्ड जनरेट, ओटीपी फिर से जनरेट कर सकता हूँ। कैसे करूंगा, होम पे जाते हैं, ये मुझे पता चल गया वीडन एनवायरनमेंट, यहाँ पे देखो सेकंड नंबर ऑप्शन जनरेट या फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है जनरेट या फॉरगेट पासवर्ड, तो आप यहाँ से जनरेट या फॉरगेट को, पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है, जनरेट कर सकते हो। जनरेट फर्स्ट टाइम यूजर, अभी हम लोगों ने यहाँ पे जनरेट करना रह गया था अपने पास, हम लोगों ने जनरेट नहीं कर पाए थे, तब तक 900 सेकंड हो चुका, या कभी ऐसा होता है ओटीपी नहीं आता, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमको उस टाइम पे जनरेट होता है। यदि मेरे पास ऑलरेडी पासवर्ड मैंने सेट कर दिया है, सब कुछ है, मेरा प्रोफाइल ओके है, तो मैं क्या करूंगा उसको, और मुझे पासवर्ड मैं भूल चुका हूं, तो मैं करूंगा फॉरगेट, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन डाला हुआ, जनरेट और फॉरगेट, तो आप यहाँ पे दोनों ऑप्शन यूज कर सकते। तो मेरे लिए अभी क्या है, मैं एज ए न्यू यूजर हूं, अभी तक मैंने पासवर्ड सेट नहीं किया, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जनरेट पासवर्ड, लॉगिन आईडी, मेरा लॉगिन आईडी मैंने कॉपी करके रखा था, लॉगिन आईडी, मैं अभी क्या हूं, न्यू यूजर, तभी जो न्यू यूजर है वही जनरेट कर सकते हैं पासवर्ड। न्यू यूजर, न्यू यूजर में क्या होता है, एक ऑप्शन आपके पास है, ओटीपी नहीं आ रहा है, मोबाइल नंबर पे नहीं आ रहा है, ईमेल पे नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे अपना अपडेट भी कर सकते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो देखिए, यदि आपको ऐसा कभी प्रॉब्लम हुआ तो आपको फिर से नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, या मोबाइल नंबर ईमेल आईडी गलत डाल दिया तब भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ, अपडेट मोबाइल नंबर या मोबाइल ईमेल आईडी, तो यह मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आ गया, हम इसको चेंज भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम। ओके, स्क्रीन स्टॉप हो गया क्या? अभी दिख रहा है, देखो ऐसा हम यहाँ पे कर सकते हैं, मुझे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे अपडेट हो चुका। सेम चीज मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, जनरेट या फॉरगेट पासवर्ड, जनरेट या फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पे स्क्रीन स्टॉप हो गया बोल रहे थे, अभी दिख रहा है, यहाँ पे है
जनरेट या फॉरगेट पासवर्ड, आईडी डालना है, आईडी डालेंगे, न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपडेट मोबाइल नंबर, यहाँ से अपडेट आप कर सकते। दूसरा, मुझे यदि पासवर्ड जनरेट भी करना है, नया पासवर्ड आपको जनरेट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे इसका कैप्चा डालेंगे और इसको सेंड वेरिफिकेशन कोड फिर से कर। अभी मैं आपको वेरिफिकेशन करके, यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन, मुझे अभी ओटीपी आ जाएगा, मैंने मोबाइल का डाला, अभी मैं ईमेल का डालता हूं, दोनों का डालना है आपको। आप अपने नाम से मल्टीपल लॉगिन भी कर सकते हो, सेम मोबाइल नंबर, सेम ईमेल आईडी, सेम पिन कार्ड से, अलग से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कितने भी, सिर्फ डीएससी अलग अलग लगेगा। यहाँ पे डाल दिया, पासवर्ड डालता हूँ, पासवर्ड जनरली मैं थोड़ा सा अच्छा पासवर्ड सेट कर, मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसा डालता हूँ, याद रहे, एडमिन का आई कैपिटल, डॉलर 1 2 3, एडमिन का आई कैपिटल डॉलर 1 2 3, सब आ गया एडमिन का आई कैपिटल में, 4 8 DRRR, सब ओके है तो मेरा सबमिट हो जाएगा। मिसमैच फाउंड ईमेल वेरिफिकेशन कोड, मोबाइल और ईमेल वेरिफिकेशन कोड में उनको मिसमैच मिला, शायद कुछ गड़बड़ हुआ, मुझे फिर से करना पड़ेगा, इसको कॉपी करते हैं, जनरेट या फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, फिर से जनरेट या फॉरगेट पासवर्ड, न्यू यूजर, सेंड वेरिफिकेशन कोड डाल देते हैं, तो मैं पासवर्ड डाल देता हूं, फिर से कोड मिल गया है मुझे मोबाइल का, सबसे पहला मोबाइल में मोबाइल का डालना है, हो गया मोबाइल का, ईमेल का, एकदम गाड़ी में बसते मला देखो, हो गया, योर पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली जनरेटेड, हो गया मेरा पासवर्ड अभी जनरेट हो चुका। यहाँ पे देखो, अभी मुझे अभी मैं इसको फॉरगेट कर सकता हूँ, जनरेट न्यू यूजर पे क्लिक नहीं, ऑलरेडी हमारा सेट हो चुका, तो मैं इसको लॉग इन कर सकता हूँ। लॉग इन करने के लिए क्लिक है टू लॉग इन, अब मैं अपना आईडी डालूंगा, पासवर्ड,
देखो जैसे मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, मुझे अभी बोल रहा है ये लॉगिन करने नहीं देता है, ये बोलता है कि डिजिटल सिग्नेचर आपको अटैच करना पड़ेगा। जब भी आप नया कभी भी लॉगिन करोगे यहाँ पे कोई भी साइट पे, तो आपको सबसे पहला डिजिटल सिग्नेचर लगेगा। यहाँ पे क्लास टू का भी डिजिटल सिग्नेचर चल सकता है या फिर क्लास थ्री का भी, दोनों में से कोई भी आपको यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में से आपको जो सिग्नेचर चाहिए वो आप यहाँ पे यूज कर सकते। तो यहाँ पे साइनिंग सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे ऐसा, और फिर आपको आगे यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का डिटेल्स, यहाँ पे आपको डिजिटल सिग्नेचर का सब डिटेल्स आएगा। इसके लिए अभी ये यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जावा भी रन होना चाहिए और डीएससी का पूरा डिटेल्स आना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स वगैरह लगता है जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। सेटिंग्स का आप देख सकते हैं, इनकेस आपको भी रिवीजन करना है तो आप ये रिवीजन हमारे यूट्यूब का चैनल है भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन, वहाँ पे ई टेंडर सेटिंग बोल के हमने अलग से वीडियो भी बना के रखा है, वहां से भी आप कभी भी जाके सेटिंग देख सकते हैं, प्रॉपर वे से आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपने को जो सेटिंग करना है, सेटिंग करने के लिए कुछ क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जावा डाउनलोड करना पड़ेगा तो ही यहाँ पे डीएससी का सब डिटेल्स आएगा, अदरवाइज डीएससी का डिटेल्स नहीं मिलेगा, मैं इसके आगे नहीं जा सकता। हाँ यहाँ पे होम पे मैं जरूर क्लिक कर सकता हूँ पर ये इतना ही दिखेगा, यहाँ पे लॉगिन का कोई भी डिटेल्स नहीं आएगा, ना मैं यहाँ पे टेंडर भर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ वेलकम टू भगत टेक। मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, मुझे टेंडर भरने के लिए मुझे अब यहाँ पे डीएससी आगे अटैच करना पड़ता है। डीएससी कैसे अटैच करेंगे आगे देखेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे सेटिंग देखते हैं। चलिए हमारा स्टेट का यहाँ का साइड पे जाते हैं और यहाँ पे डाउनलोड के सेक्शन पे जाओ। डाउन पे जाके आपको GRE8 सिक्स नंबर पैनल, GRE8 सिक्स नंबर दिख रहा है, GRE8 ये आपको डाउनलोड करना है, GRE8। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। ये 61 MB का है तो आप लोग सब इसको डाउनलोड करो, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग डाउनलोड करो। डाउनलोड करके इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए। यदि किसी को इंस्टॉल में प्रॉब्लम आ रहा है तो एनीडेक्स डाउनलोड करके रखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ सॉफ्टवेयर भी एनीडेक्स का। एनीडेक्स ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करके रखना है एनीडेक्स का, इससे आपको एक आईडी जनरेट होगा और वो आईडी आप में शेयर करेंगे तो मैं आपका सिस्टम रिमोट में लेके भी आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आपको इस तरीके से आपको देखना है, जो भी प्रॉब्लम आएगा आपका हर एक प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस करते वक्त, अभी हमारे साथ प्रैक्टिस करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इंक्लूडिंग हम आपसे यदि आप टेंडर भरना चाहते हैं तो हम आपको एक टेंडर आप भर के भी आप हमारे से हमारे गाइड लाइन्स में आप खुद से एक टेंडर भर भी सकते हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम नहीं, इन फ्यूचर कभी भी आपको प्रॉब्लम आता है तो आप हमारा और एक बैच कभी भी रिपीट कर सकते हैं, और एक बार कभी भी हमारा बैच आप रिपीट कर सकते हैं। ये छोड़ के भी हम आपको ग्रुप में नया अपडेट हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाता है, जहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिलेगा, और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो एनीडेक्स से भी हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए सब लोग जावा डाउनलोड कर लीजिए और उसको इंस्टॉल कीजिए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आया तो मुझे यहाँ पे बताइए।